नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। खापरखेड़ा के चनकापुर जिले में रेत की अवैध तस्करी के खिलाफ घाटों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई होती रहती है, फिर भी रेत तस्कर बाज नहीं आते। जिले में दर्जन से ज्यादा रेत घाट है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल रेत के उठाव पर रोक लगी हुई है, इसके बावजूद लॉकडाउन में भी तस्कर सक्रिय है। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों की रेत में लाखों की रॉयल्टी चोरी के मामले की जांच आखिर कब तक होगी। खापरखेड़ा के चनकापुर रेत की तस्करी पर अंकुश लगने के कारण जिले में रेत का भाव आसमान छूने लगा है। इसके चलते लोगों को घर आदि बनवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को रेत ले जाने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती है, जबकि तस्कर आसानी से रेत ले आते हैं। जिले के प्रांतीय सीमावर्ती इलाकों से रेत की तस्करी होती है, खासकर खापरखेड़ा के चनकापुर घाट पर स्थित रास्ते से ये धंधा होता है। खास बात ये है कि इन रास्तों से आम लोग अगर ट्रैक्टर या किसी अन्य साधन से रेत लाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस उनके रेत को जब्त कर लेती, लेकिन तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आलम यह है कि जिले के लोग पूरी तरह तस्करी की रेत पर निर्भर है। जिम्मेदार खनिज विभाग के अफसर छोटी मोटी कार्रवाई करके ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नदी में रेत तस्करों की चोरी की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नदी में खुलेआम रेत की अवैध खुदाई जारी है। स्थानीय लोगों से बात हुई तो बातचीत में पता चला कि नदी के छोर पर बसे गांव से हिस्सा रेत से भरा हुआ है। रेत तस्कर लंबे समय से इस गाँव में एक्टिव है। रेत तस्करी में अफसरशाही फेल, वही माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कोरोना संकट के बावजूद रेत तस्कर कर रहे भंडारण राजनीति दबाव में कार्रवाई नहीं करने वाले खापरखेड़ा के चनकापुर में डंप की गई रेत का ठिकाना आखिर किसका है।